अभी मैं फंक्शन आपको बताऊंगा, तो फंक्शन में काइंड्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला जो हम लोगों का फंक्शन है वो होगा वन वन फंक्शन, जिसका दूसरा नेम जो होता है वो होता है इंजेक्टिव फंक्शन। अब इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है ये बात हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये बात पता अगर हमें लगाना है तो उसके लिए कंडीशन ये होता है कि जो हमारा सेट है, सेट ए जो होगा, उसके जो भी एलिमेंट होंगे उसके डिफरेंट इमेज होने चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारे पास एक सेट है, ये हमारे पास एक सेट है, और इस सेट में एक ये एलिमेंट है और दूसरा एक हमारे पास सेट है बी। अब देखिए कि ये जो वन है वो लिंक है आपका ए से, टू जो लिंक है वो है आपका बी से, और थ्री कनेक्टेड है सी से। अब हमें यहाँ देखना क्या है, ये जो मुझे सेट ए दिखाई दे रहा है और ये हमारा सेट बी है, तो इस एलिमेंट का इमेज कौन है? ये है। तो इसका कितना इमेज है? एक ही इमेज है, और वो कौन है? ए। यहाँ पर टू, टू का इमेज कौन है? बी। थ्री का इमेज कौन है? सी। तो देखिए हर सेट ए के हर एलिमेंट के पास डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। वन का इमेज ए है, टू का इमेज बी है, थ्री का इमेज सी है, तो सबके पास डिफरेंट इमेज है। और ये जो हमारा होता है, अगर मैं इसको बोलूं कि ए के पास क्या है, तो ये वाला प्री इमेज कहलाता है। तो ए के पास कौन सा प्री इमेज है? वन। बी के पास कौन सा प्री इमेज है? टू। सी के पास कौन सा प्री इमेज है? थ्री है। तो अब फिलहाल हमें ये देखना है कि वैसा एलिमेंट सेट ए का जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इमेज होंगे, तो यहाँ पर इसका डिफरेंट इमेज है, इसका भी डिफरेंट इमेज है, और इसका भी डिफरेंट इमेज है। और अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो हमारा वन वन फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है हमारा। अब मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ और इस क्वेश्चन में हम ये टेस्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन आपका वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक हमारे पास सेट ए है और एक हमारे पास सेट बी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सेट ए जो है इसके पास वन टू थ्री है, और सेट बी जो है फोर सेवन टेन हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर एक फंक्शन हमारे पास डिफाइन किया हुआ है, ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन है। अभी मैं यहाँ पर सेट वन का वन रखता हूँ, तो थ्री टाइम्स वन प्लस वन रखूँगा, दैट इज़ थ्री प्लस वन विच इज़ इक्वल टू फोर। तो वन फोर से लिंक्ड हो गया। इन द सेम वे अब हमारे पास क्या है? टू है। तो अब मैं इसको रखूँगा इस पर, तो थ्री टाइम्स टू प्लस वन दैट इज़ सिक्स प्लस वन दैट इज़ सेवन। तो टू सेवन से लिंक हो गया। और अब है हमारे पास थ्री, थ्री एक्स प्लस वन विच इज़ इक्वल टू थ्री टाइम्स थ्री प्लस वन विच इज़ इक्वल टू टेन। तो ये थ्री से, थ्री जो है वो टेन से लिंक्ड हो गया। अब देखिए कि इस प्री इमेज का एक इमेज है, इस प्री इमेज का एक ही इमेज है, इस प्री इमेज का एक ही इमेज है। या हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है उसके हर एलिमेंट के पास एक ही
इमेज है और वो भी अलग अलग इमेज है। ये वन के पास 4 इमेज है, 2 के पास 7 इमेज है और 3 के पास कैसा इमेज है, 10 इमेज है। तो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है हर एलिमेंट के पास ऑफ सेट ए। तो हम कहेंगे कि ये हमारा वन वन फंक्शन होगा या फिर इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब ये इक्वेशन है, इसमें हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है 1, 3 एंड 4 और दूसरा सेट हमारे पास बी है 1, 27 एंड 64। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास रूल है फंक्शन का वो ये दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी मैं 1 का क्यूब करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, तो 1 1 से कनेक्टेड हो गया। और इसका क्यूब करूँगा तो मुझे 27 मिलेगा और 4 का मैं क्यूब करूँगा तो मुझे 64 मिलेगा। अब मुझे ये पता करना है कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए, इस प्री इमेज का एक इमेज, इस प्री इमेज का एक इमेज, इस प्री इमेज का एक इमेज है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस, तो हम कहेंगे कि ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा वैसे वैसे मैं हर एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आप उसे ध्यान से देखिए, सॉल्व कीजिए और जब ये पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप फिर से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खुद से डील कीजिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट का ग्रिपिंग बहुत अच्छा बन जाता है और जब आप दोबारा प्रैक्टिस फिर से करते हैं तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अभी मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँगा वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैं चूज़ करता जाऊँगा। आप वैसे सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर दोबारा उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए इसका नाम है और इस पर हमारे पास 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं और एक बी हमारे पास सेट, सेट बी जिसमें 4, 5, 6 एलिमेंट है। अब इसमें जो फंक्शन है वो हमारा मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप क्वेश्चन जैसा देख रहे होंगे कि इसमें हमारा क्या किया हुआ है। 1 रिलेटेड टू 4 है और 2, 5 के साथ है और 3, 6 के साथ है, ये हमारा है। अब इसमें मुझे ये चेक करना है कि ये हमारा 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो 1 1 फंक्शन है, क्यों है, अब इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके पास डिफरेंट इमेजेस हैं। 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 और 3 का इमेज 6 है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, सो हम कहेंगे कि ये हमारा 1 1 फंक्शन है। इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि ये हमारा 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो आप चाहे तो 1 1 फंक्शन को एक दूसरा टेक्निक भी है जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम हो चुका है कि ए टू बी मुझे चेक करना है फंक्शन जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो अगर आप चाहें तो एक और टेक्निक होता है जिसका इस्तेमाल करके आप 1 1 फंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
तो वो मैं टेक्निक यूज़ करके इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो ज़्यादा इजी होगा। सबसे पहला काम ये हमें करना पड़ता है कि जो हमारे पास, तो देखिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+7 दिया हुआ है। अब क्या करना होता है, ये जो x है किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या करना होगा, मुझे लेट x1 और x2 ले लेना होगा जो रियल नंबर से बिलोंग करता होगा, और मुझे ऐसा लेना है सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लेना है। तो देखिए करना क्या होगा कि हम लोगों के पास, अब मैं इसको यूज़ करूँगा इसको, तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा 4x के जगह पर 4x1+7 ये वाला। अब मैं इसको इक्वेट करूँगा इसके जगह पर 4x2+7, तो जो भी वेरिएबल होगा उसको x1 और x2 के फॉर्म में मुझे ले लेना होता है। अब ये जब हो जाएगा तो हम इसको और इसको तो कट कर सकते हैं, और ये 4 इधर आके कट जाएगा, तो मुझे डेफिनेटली क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा। तो जब भी, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि f जो है इज 1-1, तो ये कंडीशन आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको इसका वर्किंग रूल ये समझना होगा कि आप कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट्स ले लीजिएगा, x1 और x2 ले लीजिएगा, और हमें ये करना होगा कि जो भी x1 इज इक्वल टू f(x2) लेना होगा, इसके इक्वल मुझे करना होगा। और अगर उसकी वैल्यू x1 इज इक्वल टू x2 शो कर जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा 1-1 फंक्शन होगा। तो ये एक हमारे पास डिफरेंट टाइप का एक टेक्निक है ताकि हम 1-1 वाले क्वेश्चंस को क्रैक कर सकें। मैं और भी इस पे क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है 8। अब इसको हम लोग समझते हैं, तो ये एनसीईआरटी एग्जांपल 8 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन f n(n) गिवन बाय, तो मुझे फंक्शन जो दिया हुआ है वो n(n) है गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x। आप इसको चेक करो कि ये 1-1 फंक्शन है, ऐसा मुझे दिखाना है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन हो हमारा fx इज इक्वल टू 2x, तो उसको मुझे कैसे लेना होगा, पहले fx 1 इज इक्वल टू fx2 मुझे लेना होगा। अब देखिए मैं इसके जगह पे क्या रखूँगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2। अब हमें ये पता है कि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिलता है। तो जब भी ऐसा मिलता था देयरफॉर हम कहते थे f इज 1-1, तो ये हमारा 1-1 फंक्शन है।